भिवंडी क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को सरकारी योजना में पैसे दिलाने के नाम पर उनके दस्तावेज लेकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया करते थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 32 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है मोहम्मद आशिफ 30 वर्षीय, अल्ताफ लतीफ शेख 35 वर्षीय, शफीक अब्दुल लतीफ अंसारी 25 वर्षीय और अरबाज आशिफ मोमिन 24 वर्षीय। ये आरोपी पहले लोगों से बहला फुसलाकर उनके घर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके सिग्नेचर एक कागज पे ले लिया करते थे और उन्हें सरकारी योजना के तहत हर महीने 2000 रुपए दिलाने का झांसा देते थे। इनके दस्तावेज लेने के बाद ये चारों आरोपी इनके दस्तावेज के जरिए लोन पर बाइक निकालते थे और उन्हें बेच दिया करते थे। मगर इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब बैंक कर्मी EMI ना भरने पर सभी लोगों के घर पर रिकवरी के लिए बैंक कर्मचारी को भेजने लगे और इसकी शिकायत पीड़ितों ने निजामपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शिकायत की तहकीकात भिवंडी क्राइम ब्रांच ने शुरू की तो ये 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 33 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और 6 मोबाइल फोन यानी कि 32,36,490 रुपए का मुद्देमाल इनके पास से जब्त किया गया है। भिवंडी में हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोगों के नाम पर लोन किए गए हैं फाइनेंस कंपनी के, और जो कि उनको मालूम नहीं है, और उनके जो भी EMI है वो EMI लेने के लिए फाइनेंस कंपनी के लोग आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन पे हमारी जो टीम है, यूनिट 2 की टीम है, स्पेशली सचिन गायकवाड़ और उनकी टीम, उन्होंने ये इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके तो इन्वेस्टिगेशन करके जब ये सच सामने आया कि इसमें जो गरीब और गरजू लोग रहते हैं, नीडी पर्सन्स रहते हैं, तो उनको उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड वो दोनों लेके उसके आधार पर वो बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से लोन बनाते थे और उससे मोटरसाइकिल खरीदते थे और वो मोटरसाइकिल बाहर कम दाम में बेचते थे। ऐसी है कि ये टोली ये भिवंडी में ये कार्यरत थी। इसमें से हमने अभी तक 4 आरोपी अरेस्ट कर दिए। इसमें से 33 मोटरसाइकिल और मोबाइल्स और बाकी प्रॉपर्टी जो रिकवर की है, 32 लाख की प्रॉपर्टी करीब रिकवर की है। आगे भी जांच उसकी चालू है। आगे सर, सामान्य नागरिक ने जो बाइक खरीदी है और जो उसको चीटिंग करने वाला, आप कार्रवाई किस पे करें? सामान्य नागरिक पे भी कार्रवाई करेगी क्या उस पे जो जिसने? नहीं, जो चीटिंग अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन करके जिसने भी चीटिंग की है उस पे कार्रवाई होगी। सर, ये डीलर जो बैठे हैं छोटे मोटे शोरूम लेके जिन्होंने ये गाड़ी दी है एक डॉक्यूमेंट पे 3-3 गाड़ी, तो सर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? अगर उनके उसमें गलती है सैंक्शन करने में या इशू करने में अगर गलती है तो लीगल कार्रवाई होगी। सर, देखा जाए तो जो फाइनेंस कंपनी है जो एक डॉक्यूमेंट पे 3-3 लोन कर दी, सर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए? ये बिल्कुल हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर उनका फॉल्ट कोई आदमी उनका कोई इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली कायदेशीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बहुत बड़ा मामला है। एक तो नागरिक सभी सिटीजन ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप KYC डॉक्यूमेंट आपका जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट है वो किसी और के हाथ में ना दे। कोई निश्चित कारण से अगर कोई बोलता है कि आपका आधार कार्ड दो ये दो तो देना नहीं चाहिए, ओरिजिनल जो कार्ड है वो और KYC डॉक्यूमेंट स्पेशली। और जो भी गाड़ी खरीदने वाले हैं वो खरीदने वाले लोगों ने भी जो भी लीगल सोर्स है, जो भी शोरूम है, शोरूम और अधिकृत फाइनेंस कंपनी है वो उनसे लोन वगैरह लेके या जो भी उनको जैसे भी लेना है वो लीगल सोर्स से गाड़ी लेना चाहिए।